जरूरत से ज्यादा बेमिसाल हो तुम, जरा सी सांवली हो मगर कमाल हो तुम। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप, मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई धमाल, और आज भी होने जा रहा है बहुत जबरदस्त कमाल। कोई कमाल नहीं होने जा रहा, आज हम फंसने जा रहे हैं तूफान में, देखते जाइए। दिन की शुरुआत में ये बहुत ब्राइट डे था, यानी काफी चमकीला दिन, लेकिन घर से निकलने के बाद धीरे धीरे बादल छाने लगे और मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया है। मौसम अच्छा जरूर हो गया था, लेकिन ये देखकर कतई अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि ये मौसम अगले ही पल काल बैसाखी का रूप ले लेगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि काल बैसाखी मौसम के उस मिजाज को कहते हैं जब कुछ समय के लिए मौसम काल बन जाता है। ये देखिए, सामने की ओर आकाश बिल्कुल साफ है, लेकिन पीछे की तरफ मौसम पूर्ण रूप से काला है। इसे दूसरी भाषा में नॉर्वेस्टर्स भी कहते हैं, जो अप्रैल और मई या मॉनसून के आगमन तक देखा जा सकता है। देखने में भले ही ये मनमोहक लग रहा हो, लेकिन इसके परिणाम काफ़ी दुखद होते हैं। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जब मौसम कहर बनकर टूटता है तो उस स्थिति को काल बैसाखी कहते हैं। जब हवाओं में नमी बढ़ जाती है और तापमान भी साथ साथ बढ़ रहा होता है, तो हवाओं की रफ्तार अक्सर टॉर्नेडो या हरिकेन या किसी भीषण तूफान में बदल जाती है। कन्वेक्टिव बादलों के बनने के कारण मौसम अचानक ही किसी भीषण तूफान की शक्ल में परिवर्तित हो जाता है, और मौसम का ये मिजाज आप देख सकते हैं। हालांकि काल बैसाखी के जितने माइनस पॉइंट हैं, उतने ही प्लस पॉइंट भी हैं, खासकर उन कृषकों के लिए जो चाय, चावल और जूट की खेती करते हैं। चाय, चावल और जूट की फसल करने वाले किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस दौरान हुई बारिश से फसल को अच्छा खासा फायदा होता है। हालांकि काल बैसाखी हमारे लिए किसी आपदा से कम नहीं है, और फिलहाल मैं इसमें बुरी तरह फंस चुका हूँ। ऐसा मौसम हो जाने पर लोग अक्सर अपने कार्य को पोस्टपोन्ड कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी सर्वप्रथम माँ काली के दर्शन करने थे और उसके बाद दो मीटिंग्स भी थी। लेकिन ये बाद की बात है, सबसे पहली चुनौती है अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुँच पाना, और ऐसे मौसम में अक्सर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे काल बैसाखी का कहर बढ़ता जा रहा था, मौसम अपना रूप बदलते चला जा रहा था, ड्राइवर और गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होने वाली थी। विजिबिलिटी ज़ीरो का मतलब हुआ कि आपको आपके वाहन के आगे एक फुट दूर तक भी कुछ नज़र ना आए। फिलहाल हम तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और हमारे साथ साथ हमारे इर्द गिर्द वाले वाहन भी, लेकिन अगले ही पल हमारे वाहन को लगने वाला था ब्रेक। फ्लाईओवर के मुहाने पर कई वाहन खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और मजबूरी में हमें भी खड़ा रहना है। इतनी मुसीबत में फंसे होने के बावजूद भी हमें मौसम के मिजाज पर एक ही चीज़ याद आ रही थी, वो थी हमारी प्रिय चाय। फिलहाल चाय तो नहीं मिल सकती, उसका नाम ही सही। बीच बीच में टैक्सी के जो ड्राइवर चचा हैं वो ऐसी बातें कर रहे थे जिसे सुनकर रूह कांप रही थी, और मुझे भी प्रत्युत्तर में जवाब देना पड़ रहा था। फिर भी ध्यान से थोड़ा कहे कि हाँ, अंदर के साइड में वो मॉइस्चर जम गया। हाँ, कम से कम अपने साइड वाला पहुंच लीजिए आप। विजिबिलिटी कम हो गया।
ऐसा नहीं है कि कभी बारिश या तूफान में मैं पहले कभी ना फंसा हूँ, लेकिन आज मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है और शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग भूमिकाएं निभा रही थी। टैक्सी वाले चचा की हालत रनवे 34 के पायलट यानी अजय देवगन जैसी थी और मेरी हालत उनके को पायलट यानी रकुल प्रीत सिंह जैसी। लेकिन हमारे जो चचा थे वो बड़े हैवी ड्राइवर थे, सारी चीजों का बखूबी ध्यान रख रहे थे। समय समय पर बारिश के पानी को वाइप करने के साथ साथ कपड़े से अपने तरफ के शीशे को भी साफ कर रहे थे, जिससे कि उन्हें रास्ता साफ नजर आता रहे। बीच बीच में बिजली का कौंधना भी आप देख सकते हैं। गर्मी को अपाहिज और मौसम को लंगड़ा करने के बाद काल बैसाखी इस भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत देते हुए मौसम को बैसाखी थमा गई थी। लेकिन अब बारी थी इस वेदर फॉर्म के कॉन्सिक्वेंसेस की। फिसलन भरे रास्तों के साथ कच्ची सड़क पर खड्डे पड़ जाना, जगह जगह जल जमाव और कीचड़ की उपस्थिति काफ़ी इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। कार की स्पीड को देखकर लग रहा था हम जल्दी काली माँ के मंदिर पहुँच जाएंगे, लेकिन जगह जगह पर इस तूफान के कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम अब सामने आ रहे थे। कई जगह पर पेड़ उखड़कर अपनी जड़ों समेत सड़क पर आ गिरे थे, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा था और हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ा। यह है कोलकाता की बहुचर्चित प्रेसिडेंसी जेल। इस अचानक काल बैसाखी ने सड़कों के साथ साथ गाड़ियों की कैसी हालत कर दी, ये आप देख सकते हैं। और यह है कोलकाता की अलीपुर जेल। अब बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी, लेकिन धीमी धीमी बूंदाबांदी होने के आसार अब भी नजर आ रहे थे। अंततः हम पहुंच गए माँ काली के मंदिर। इस तरफ इस दरवाजे से बड़े वाहन अंदर की ओर नहीं जाते, इसलिए हमने किया एक रिक्शा। कालीघाट मंदिर जाने के कई प्रवेश द्वार हैं। मैं अक्सर मुख्य द्वार से एंट्री करता हूं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों न पिछले दरवाजे से जाया जाए। कई बार हम बिना कुछ कार्य किए भी थक जाते हैं, बारिश के थपेड़ों और तूफान के साथ मारपीट में काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। मौसम ही कुछ ऐसा है। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी माँ काली के दरबार की तरफ। और ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं कालीघाट मंदिर के पिछले द्वार पर। माँ काली की ये भव्य प्रतिमा एक चौकोर काले पत्थर से तराश कर बनाई गई है। माँ काली के मुंह से एक लंबी जिह्वा बाहर की ओर निकली हुई है। माँ के दांत और जिह्वा स्वर्ण के बने हैं। काल बैसाखी की अचानक दस्तक ने आम जनजीवन के साथ साथ यातायात व्यवस्था और सड़कों को अस्त व्यस्त कर रख दिया। और ये है कॉफी की दुकान, एक कैफेटेरिया, जिससे हमें कोई मतलब नहीं, हम हैं चाय के प्रेमी। अब कुछ सामान इत्यादि लेकर हम पुनः लौटेंगे घर की ओर।
आधे काम और मीटिंग्स वगैरह छोड़कर और बचे खुचे काम सलटाकर हम अब घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि आज हुई बारिश के बाद का आफ्टर इफेक्ट आप अभी स्क्रीन पर बखूबी देख पा रहे होंगे। अपनी मंजिल और अपने गंतव्य पर टाइम पर या टाइम से पहले पहुंचने की सभी को जल्दी रहती है, और यातायात बाधित होना यानी ट्रैफिक जाम किसी अभिशाप से कम नहीं है, और उसी अभिशाप से मुक्ति के लिए बड़े शहरों में अक्सर फ्लाईओवर्स का निर्माण करवाया जाता है, जो हमें जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंचाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ सुरक्षा का पुख्ता ध्यान भी रखा जाता है इन फ्लाईओवर्स पर। साथ साथ इन फ्लाईओवर्स पर स्पीडोमीटर्स भी लगे होते हैं कि एक निश्चित गति के बाद अगर आपके वाहन में किसी प्रकार की गति का इजाफा होता है तो आपके मोबाइल पर चालान खुद ब खुद पहुंच जाएगा। इस मामले में सरकार और साइंस ने दोनों ने ही काफी तरक्की कर ली है। इन पंक्तियों में अगर आपको कटाक्ष या सार्केज्म की बू आ रही है तो ये आप भूल कर रहे हैं, मैंने जो भी कहा है दिल से कहा है। अब बताइए भला कौन कहेगा कि इन्हीं रास्तों पर हमने सबसे पहले तूफान का सामना किया था। रोड इतनी सूखी पड़ी है कि देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहाँ 2-2.5 घंटे पहले भीषण बरसात हुई है, और ये है युवा भारती क्रीडांगन यानी सॉल्ट लेक स्टेडियम। बंगाल एक फुटबॉल प्रेमी राज्य है और फुटबॉल को यहाँ किसी धर्म का दर्जा दिया गया है। गर्मी कितनी भीषण है आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब इमारतों और रास्तों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ बारिश जैसी कोई भी चीज़ हुई थी, यकीन ही कर पाना मुश्किल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रात 11 बजे तक इस काल बैसाखी के कारण कोलकाता में 7 लोगों के मरने की खबर आ चुकी थी, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं जो रिवर राफ्टिंग करते वक्त मारे गए। यह है लंदन की तर्ज पर बनी कोलकाता की बिग बैन। सो फाइनली आई एम बैक टू होम, और काफ़ी मेहनत मशक्कत बारिश के साथ लड़ाई मारपीट करके, और ये मोटी बैठी हुई है स्वागत में, आप देख सकते हैं एक्शन शुरू है मोटी के। क्या ये उठो चल। और ये हमारे कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी दादा हैं जो कुत्तों की अद्भुत क्षमता के बारे में बखान कर रहे हैं। उनके सूंघने के साथ साथ उनके देखने की शक्ति भी, अदृश्य चीजों को भी ये बखूबी देख लेते हैं। अदृश्य जीन्स के देखते पाए भूत प्रेत अनेक कुछ हुई हमें भूत प्रेत फैमिली का मैच तो एक तला बाड़ी टू बेडरूम করা আছে, পায়খানা তো মেটা, বাবাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি করতো, লোকের এবং উঁচু লম্বা তোমার ঠিক আছে, তার চেয়ে ফিগার চওড়া আর একটু হাইট কম, সাদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন চুল আমাদের সামনেই। इतनी सी ही देर में सिक्योरिटी दादा ने मुझे एक भूतिया घटना से अवगत कराया, और अब हम जा रहे हैं ऊपर 5वीं मंजिल पर अपने निवास की तरफ, जहां बेबो कर रही है हमारा इंतजार। तो घर आने के बाद अब स्वागत करने के लिए तैयार है बेबो, देख आओ। क्या बात है तो घर आने के बाद बेबो को ये करना पड़ता है, और बेबो को ऐसे करने के बाद जो है बेबो को तसल्ली हो पाती है। बेबो देखो इधर क्या कर रही है, अंदर अंदर।
सो आई एम होम, साग सब्जी और घर का सामान लेकर, और अब लेते हैं स्नान। आज के एपिसोड में इतना ही, अब आपको क्या बताएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ बताएं, कुछ सुनाएं, कोई हॉरर, कोई रोमांचित कर देने वाली कहानी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। तो अब लेंगे हम आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।